संगम नगरी प्रयागराज में पुलिस महकमे में दो अफसरों के बीच सड़क पर सरेआम हो रही तकरार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर अपने सीनियर महिला इंस्पेक्टर को सरेआम चीखते चिल्लाकर गलौकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रयागराज के डीजीपी प्रेम प्रकाश ने इस मामले की जांच बिठा दी। उन्होंने दरोगा के इस रवैये को सर्वे रूल के खिलाफ मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि यह पूरा मामला प्रयागराज के पास इलाके सिविल लाइंस की अग्निपथ कॉलोनी का है। दरअसल महिला थाने की इंस्पेक्टर दीपा अग्निपथ कॉलोनी के फ्लैट में किराए पर रहती है। यह फ्लैट इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रिटायर्ड महिला जायसवाल का है। फ्लैट खाली कराने को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद हो चुका है। यहाँ तक दो दिन पहले कुछ विवाद तो हुआ, वहाँ तो इलाके के चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार दिनकर भी पहुँच गए। उन्होंने इंस्पेक्टर को गलत ठहराते हुए उनसे विवाद किया। दोनों अफसरों के खिलाफ काफी देर तक सड़क पर तू-तू मैं-मैं होती रही। इस दौरान किसी ने इनके बीच चल रहे तकरार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल में साफ नजर आ रहा है कि पुलिस ने के दोनों अफसर एक दूसरे को सरेआम धमकी देते रहे। यह वायरल वीडियो लोगों के बीच चर्चा का सबब बना हुआ है। एडीजी प्रेम प्रकाश ने इस मामले की जांच प्रयागराज के एसएसपी को सौंपी। आरोपी दरोगा का एक वीडियो पहले भी वायरल हो चुका है।